नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। देखिए, मुजफ्फरपुर में हम मौजूद हैं, बूढ़ी गंडक के नजदीक। बूढ़ी गंडक के किनारे एक शहर स्थित है जो कि मुजफ्फरपुर के नाम से कहलाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत में मुजफ्फर खान के नाम से ही मुजफ्फरपुर शहर का नाम पड़ा। और प्रसिद्धि की बात करें तो यहाँ का लीची बहुत प्रसिद्ध है, लैठी यहाँ पर बनता है। मुजफ्फरपुर में कैप्टन जय नारायण निषाद जो है वो कई वर्षों तक यहाँ से सांसद रहे हैं। उसके बाद उनके जो बेटे हैं अजय नारायण पिछले दो टर्म से अजय निषाद जो है यहाँ से सांसद हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट कट गया और तब वह जाकर अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। हम आपको विधानसभा वाइज अगर बताएं तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुड़नी, ये 6 विधानसभा जो है वो हैं। जिनमें से आपको बताते चले, गायघाट में राजद निरंजन राय विधायक हैं राजद से, औराई में रामसूरत राय विधायक हैं बीजेपी से, बोचहा में अमर पासवान जी विधायक हैं आरजेडी से, सकरा में अशोक कुमार चौधरी जदयू से, कुढ़नी की बात करें तो केदार प्रसाद गुप्ता जो हैं वो बीजेपी से हैं। तो देखिए, हम जनता जनार्दन कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, जनता से मिजाज जानने पहुँचे हुए हैं। लेकिन उससे ठीक पहले हमारे दो नेता हैं यहाँ पर, उनका भी परिचय हम यहाँ करा देना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी से वसीम अहमद मुन्ना जी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं। दूसरी तरफ आशीष अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी। सीधे हम जुड़ते हैं आशीष अग्रवाल जी से, जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है। आशीष जी, मुजफ्फरपुर की धरती ऐतिहासिक धरती रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में यहाँ की आवाज़ बनते रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और मुजफ्फरपुर की आप बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक विकास पर काम किया है इन्होंने, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, क्योंकि इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं के अंतर्गत हमने खुद भी काम किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, केंद्र सरकार ने सभी पर बखूबी जमीनी लेवल पर काम किया है। फिर आशीष जी, आपके सांसद का टिकट काटने की नौबत क्यों पड़ गई? देखिए, नौबत क्यों पड़ गई, हमेशा से भाजपा काम के लिए ही जानी गई है, और मुजफ्फरपुर की आम जनता की यह आवाज़ है कि यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे हैं हमारे अजय निषाद जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बावजूद कोई काम नहीं किया। अच्छा। वो बिल्कुल मौन की स्थिति में रहे हैं, और यहाँ का अगर कोई कह रहा है कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने काटा है, यहाँ के समाज के लोगों के बीच जा कर के उनका फीडबैक लिया है, और समाज के ही फीडबैक के आधार पर उनका टिकट यहाँ से कटा है, क्योंकि उनके रहते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता के होते यहाँ अगर कोई विकास नहीं हो पाया है, इसका मतलब है कि उनमें उनके अंदर कोई कमी है, जिसके कारण उनका टिकट काट करके दूसरे लोगों को दिया गया है टिकट। वसीम जी, ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कल तक थे, वो पूरे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर भाजपा से आए हुए लोगों को टिकट देते हैं? देखिए, हम लोग तो कोई भी लोग हो, उनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर हमारे पास कोई आना चाहेगा तो उसको मैं अनादर उनको नहीं कर सकता। कैंडिडेट नहीं है महागठबंधन के पास? ऐसा नहीं है, जो हमारे पास आएगा उनके लिए वेलकम है। हमारे यहाँ 24 आवर दरवाजा खुला हुआ रहता। जब भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं कार्य किया, तो मान के चलिए हमारे सांसद महोदय कैसे काम करते। जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिस तरीके से, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यही गरीब स्थान की मंदिर है, यहीं दाता कम्बल साहब की मजार है, यही जुब्बा सानी पार्क है, वहाँ जिस तरीके से 2014 से लेकर के अभी तक जिस तरीके से हमारी आम आवाम जिस तरीके से बेरोजगारी का जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है, लोग अपने आप को सुसाइड करते हैं, समझिए, तो इस वजह से जो है समझिए कि यहाँ कुछ कार्य ही नहीं हुआ। बीजेपी के जो काज में जो है कोई काम नहीं हुआ। वही सांसद तो थे, एक मिनट, वही सांसद थे जिन्होंने काम नहीं किया, और बिना काम
जो नहीं किया उन्हीं को आपने टिकट दिया जाता तब ना कार्य करते। अच्छा, अगर उनको करने दे रहे थे ये कौन कह रहा है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था? ये कांग्रेस कह रही है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया तो उनके सांसद कैसे कार्य करेंगे? भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, ये यहाँ की आम जनता जानती है। केंद्र की सरकार ने जो जो योजनाएं चलाई है, बोलने दीजिए बोलने, तमाम जो रोजगार बेरोजगारी समझिए, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो हमारा जो है शहर जो आज धूल धक्कर से भरा हुआ हुआ है, हम लोग जो है त्रस्त है, किडनी फेल मुजफ्फरपुर सब जो है समझिए हो रहा है। मुजफ्फरपुर में क्या काम? मुजफ्फरपुर में जो केंद्र सरकार पुल से अभी भी चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, पीपा पुल से चचरी पुल पर अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। मैं इनके प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके क्यों नहीं कोई काम किया, जबकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं सारी योजनाएं, क्या उन्हें फंडिंग का कमी था, क्या उन्हें किसी भी तरीके का काम करने से रोका गया? अजय निषाद जी नहीं तो उनको पार्टी ज्वाइन आज तक था। आज तक मेरा ये कहना है कि आज तक यहाँ मुजफ्फरपुर लोकसभा की किसी भी समस्या को क्या यहाँ की जनता ने संसद में उनको बोलते हुए कोई समस्या को रखते हुए सुना है क्या? कुछ भी नहीं, वो मौन की वो बिल्कुल ठीक थे, दो बार बिल्कुल वो बिल्कुल मौन की स्थिति में थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ भी वैसा कार्य नहीं किया जिसके कारण पब्लिक का, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो खुद निर्णय नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों का फीडबैक लेती है, उसके बाद उनके फीडबैक पर वह काम करती है। मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हमारे पास है कि यहाँ विकास होना चाहिए। आरक्षण मुद्दा, विकास तो मुद्दा, आरक्षण तो मिल ही रहा है, बिल्कुल महिला को जो आरक्षण मिला है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं को जो अभी तक मस्जिद आरक्षण, अब यही मुद्दा पोलराइजेशन का मुद्दा बन गया। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद आरक्षण ये तो मुद्दा है ही, ठीक है, मगर इनके साथ साथ जो आपका आयुष्मान कार्ड का योजना है, आज क्या ये छोटी सी बात? प्रधानमंत्री मंच से मस्जिद मंदिर से हमारा पेट भर सकता है, रोजगार हो सकता है, हमारे बेरोजगारी दूर हो सकती है। नेताओं के बीच में पब्लिक का रुझान, पब्लिक क्या कहती है, सीधे जुड़ेंगे पब्लिक से, पब्लिक क्या कहना चाहती है, बात कीजिए पब्लिक से। चलिए पब्लिक का सवाल हम सीधे नेताओं से पूछ लेते हैं। कई लोगों ने कहा बिहार में शिक्षा का स्तर जो है अभी भी निम्न है, शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? 17 साल सरकार आपकी, बिल्कुल बिल्कुल 17 साल हमारी सरकार रही है, मगर बिहार में जो जंगल राज रहा है उस जंगल राज से अभी तक बिहार नहीं उबर पाई है। अच्छा। और इस चीज से उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है और बिहार में पूर्ण रूपेण भाजपा की सरकार बनते ही और ये गठबंधन की सरकार बनते ही। 2005 से पहले क्या था सरकार, था क्या था बताइए? नीतीश कुमार जी लगातार मंचों से पूछते हैं, 2005 से पहले कुछ था, आज क्या है? अभी तो मंगल राज चल रहा है, क्या हो रहा है? भूखे तराई माम लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बेरोजगारी का क्या हाल है? आपकी भी तो सरकार थी ना, चारवाहा विद्यालय खुलवा लिए, फिर भी शिक्षा तो नहीं सुधरा ना? क्या शिक्षा नहीं सुधरा? आप कैसे कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं सुधरा? क्या अभी शिक्षा दे रहे हैं, क्या हो रहा है? केंद्र के सरकार के द्वारा कौन योजना ला करके दे दिया गया जो देश आज हमारा जिस मुजफ्फरपुर की धरती पर खड़े हैं, यहाँ हमारा एक एम्स अगर दे दिया जाता तो यहाँ के लोग जो है दूसरे शहर में जाकर के जो है अपने इलाज के लिए दर दर के ठोकर नहीं खाते। आज अगर एयरपोर्ट दे दिया जाता तो आज हमारे व्यवसायी भाई पटना 1.5 घंटा से दिल्ली से देखिए, जब पब्लिक से पूछेंगे क्या कहेंगे? पाँच साल में एक चीज करना है, यहाँ शिक्षा का स्तर ये है कि प्लस टू करने के बाद बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, प्लस टू करने के बाद यहाँ के बच्चे के गार्जियन यहाँ अपने बच्चों को रखना नहीं चाहते हैं, यहाँ का जो माहौल है इस माहौल में शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में एक मिनट ऐसी मैं दोषारोपण इनकी जो सरकार जो जंगल राज की सरकार है, जिस समय में शिक्षा का यहाँ विकास होना था उस समय में यहाँ घोटाला हो रहा था, जिस समय में शिक्षा का विकास होना था से आपने क्या किया? भाई साहब हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में सबको एक समान रूप से
मिलना चाहिए अधिकार हमारी केंद्र की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार और हमारी यहाँ राज्य सरकार जो है उसके बीच में अगर तालमेल सही ढंग का नहीं हुआ तो यहाँ विकास नहीं होगा। पब्लिक का सवाल ले लेते हैं, क्या किससे पूछना चाहते हैं, भाजपा और राजद? नहीं, दोनों से हम सवाल है। 5 साल में सरकार उनका, किन्हीं का भी सरकार 5 साल हो, कितने मंत्री मंत्री तो बन जाते हैं, मगर कौन सा विधायक है जो स्कूल का एक भी स्कूल का चप्पल लगाए हो, चाहे सांसद कोई भी एक भी स्कूल का चप्पल लगाए आज तक? बताइए आपके सांसद महोदय, ये हमारे सांसद महोदय के बारे में तो हमने पहले से बोल रखा है, इसलिए उनका टिकट कटा है यहाँ से, इसलिए टिकट कटा है उनका। अब ये जवाब देंगे, स्कूलों में कितनी बार गए? अरे जाते ही थे, स्कूल का दौरा करते ही थे, जो समझिए। तो फिर जो है आप जो है समझिए कि जो एक मुद्दा, एक ही मुद्दा पर जो है समझिए बात कर रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि जिस तरीके से जो सांसद तो आपके न थे, सांसद आपके थे, आप ये बड़ी मजेदार लड़ाई है मुजफ्फरपुर में, बड़ी मजेदार लड़ाई है, सांसद इनके या सांसद इनके, आखिर सांसद किसके, सांसद इनके या सांसद इनके, सांसद किसके? सांसद बीजेपी के थे, आज तक कोई एक भी स्कूल में वो घूम लिए होंगे सो बता देंगे, एक भी स्कूल। सांसद किसके, चाहे निषाद से कितने सहमत थे आप लोग, काम करते हैं? मुजफ्फरपुर की जनता की सांसद थे, जनता के सांसद थे, काम किया उन्होंने? काम नहीं किया। क्या लगता है वो और उनके पिताजी लगभग 25 से 30 साल तक सांसद बने रहे, काम हुआ कुछ? काम तो नहीं हम लोग जान रहे हैं, इधर 5 साल के बारे में हम लोगों को पता है कि काम नहीं हुआ है। 5 साल है उनसे पहले जनता को भेंट है, आगे बात छोड़ दीजिए, जितने लोग है इसमें पूछ लीजिए कई आदमी को भेंट है उनसे, उनका सकल कई आदमी पहचानता है, आगे बात छोड़ दीजिए ना। अजय निषाद जी वर्तमान सांसद थे भाजपा से, उनका टिकट कट गया, अब राजद कोटे के महागठबंधन के कांग्रेस से उनको टिकट मिला है, लेकिन जनता उनको पहचानने से नकार रही है, आपने ऐसे सांसद को टिकट दिया है? सरकारी को नहीं पहचानी, बीजेपी को भी जनता नहीं पहचानी, तो उनके सांसद को कैसे पहचानते? इंडिया गठबंधन में आए, अब लोग पहचानेंगे? अच्छा, अब पहचानेंगे इंडिया गठबंधन में। आप ये कहना चाहूंगा ना कि अभी जो हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, वो शिक्षित हैं, एक पेशे से डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है और बिल्कुल शिक्षित लोग हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो मैं यही कहूंगा, राजभूषण निषाद जी भाजपा के कैडर तो नहीं है ना, वो दूसरी पार्टी से आए हैं और उनको कैप्टन अजय निषाद ने ही वापस लाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया है और वो निरंतर भाजपा के लिए काम कर रहे थे। पिछली बार वो किसी और पार्टी से थे, मगर अब पिछले सालों से वो निरंतर भाजपा में प्रदेश के कैसे दिला, जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि इस बार जो आप कैंडिडेट दे रहे हैं वो काम करेगा? मैं पूरा जनता को आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे राजभूषण निषाद जी बिल्कुल शिक्षित और इन्हें उस लेवल पे काम करने का इनको पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा काम कर रहे हैं निरंतर कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं भी है तो उनके मल्टी सिटी हॉस्पिटल में जाकर के वो इलाज करवा सकता है। से जुड़ते हैं, जनता के सवाल को लेते हैं, आइए जानते हैं, पब्लिक है, इनसे क्या मुद्दा है आपका? मेरा क्या मुद्दा है, सरकार का रेजोल्यूशन क्या, ये पूछिए, जो भी सरकार इलेक्शन लड़ रही है पब्लिक को क्या कह के, अभी 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2014 में हुआ था, अभी भी हो रहा है, बस एक ही चीज़ कहा जाता है कि आपका रोड बना दिए हैं, ठीक है, गरीबी कम कर दी है, पब्लिक को कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हम तो 19 में भी देखे थे, मुझे रोड बना हुआ था, अभी भी आए तो निरंतर चलता रहेगा, खराब होगा बनेगा, लेकिन एक ऐसा कोई पार्टिकुलर मुद्दा हो जिस पर बात किया जाए, बोल रहा था कि अब की बार मोदी सरकार गरीबों के लिए लड़ेगी, क्या करेगी, रोजगार देगी, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इनसे जानते हैं क्या आपके क्या सवाल है? जी मेरा ये कहना है कि जो प्लानिंग वाला काम होता है वो अच्छे से करती है बीजेपी सरकार, बट एग्जीक्यूशन वाला जो काम होता है वो सही से नहीं कर पाते हैं। चाहे अगर हम सिर्फ बिहार में भी बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स में एम्स वगैरह नए खुले हैं इंडिया में, लेकिन बिहार वगैरह में ऐसे कोई भी नई चीज़ें दिखी नहीं हम लोगों को, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, बेरोजगारी तो बढ़ती ही जा रही है इंडिया में, और बहुत सारे जो इनकम डिस्पैरिटी है इंडिया में, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब होते जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो सामने आई है अब तक में। जी अपना मुद्दा बताइए।
जी, बिहार जो है प्राचीन समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। जहाँ भारत की बात देखें तो बिहार सबसे ज़्यादा नालंदा विश्वविद्यालय ले ले या विक्रमशिला ले ले, लेकिन आज बिहार में शिक्षा का जो स्तर है उतना ही ज़्यादा नीचे गिर गया जितना प्राचीन समय। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर यहाँ सुधारना चाहिए, और युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको सरकार का कोई भी फंड है या सरकार की कोई पॉलिसी है तो उसके बारे में पता ही नहीं होगा। जब जनता को पता नहीं है, वो जागरूक नहीं है, तो आपका कोई भी प्लान कर लीजिए वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। ग्रास रूट लेवल पर सुधारने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अर्धन की राय, विपक्षी जो अब विपक्षी खेमे से आपके जो सांसद हैं निवर्तमान आए हैं, क्या अभी इस बार आप लोग मदद कीजिएगा उनको? हाँ, मैंने क्या मुद्दा रहेगा इस बार, आइए और आगे इनसे जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा इस बार। इस बार माने कि लोकल मुद्दा रहेगा जी, और पार्टी ने बीजेपी ने अजय निशा को टिकट काटा है, लेकिन जनता नहीं काटी है, जनता उसको जिताई है और जनता जिताएगी, और जनता उसको मांग किया है। और विपक्ष, हाँ विपक्ष तैयार है, सब देने के लिए तैयार है, और बीजेपी टिकट जो काटी है लोकसभा में अपना आरक्षण का माने कि मांग किया, कुछ मांग किया माने कि ऐसे संविधान के ऊपर बोले थे, इसलिए जनता माने कि ऐसे कि विश्वास है। चलिए और आगे जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव में आगामी लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है, वह ना कि वो पिछले बार 4,85,000 वोट से चुनाव हारे थे, और इस बार उनको किस बेसिस पे टिकट दिया गया है इसका हमको अभी तक वर्णन नहीं हो पाया है। वो पार्टी लोग कह रहे हैं, पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे बिहार के, जिस आदमी के खिलाफ वो चुनाव लड़े उस आदमी के खिलाफ आज लोग उनके कार्यकर्ता लोग घूम रहे हैं। आखिर वही तो हमारे पार्टी में उनका सदस्यता ग्रहण करवाया, सदस्यता ग्रहण करवाए थे, हम भी आपको पार्टी में ग्रहण करवा सकते हैं, आप भी हमको करवा सकते हैं, ये अधिकार है। क्या मुद्दा रहेगा विकास में चले गए? देखिए, रोजगार सबसे बड़ी बात है, जो साल में 2 करोड़ जो रोजगार था मोदी सरकार ने, मोदी की गारंटी फेल हो रही है, वो निरंतर लगातार फेल हो रही है, और मोदी के पास जो विजन है उस विजन पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करने से नहीं हो पाएगा। आप सदन में बैठ के बोलिएगा 400 पार, या क्या कभी आज तक देश में एक ऐसे ही प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहते हैं 400 पार? इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे देश में? जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मोदी की गारंटी मैंने फेल कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, मुद्दा तो पब्लिक के सामने है कि जो विकास का जो है ना, सभी को लेके साथ में लेके चलना है, वही बेस मुद्दा है। और रही बात जो जनता का जो गारंटी की योजना है, देखिए इसके पहले भी सरकार जो था, कांग्रेस के सरकार चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी का भी सरकार हो, लेकिन जो कांग्रेस के जो 15 साल पहले जो उतना साल पहले शासन किया है वो कितना विकास किया है, कितना हम लोग को दिया है। हम लोग आज बीजेपी मोदी जो है एक लाइन दिया गया है, एक विकास का एक रूपरेखा तैयार किया है, उसको पटल पर लाना है, उसके पीछे में ज्यादा नेता वाला बात तो सब होता ही है, लेकिन जो एक है वो भारत को एक अगला मंच नहीं कहता है, भारत को अपना देश से आगे विश्व में एक छवि जो मिल रहा है वो इसी प्रदेश के ऊपर मिल रहा है। चलिए आइए हम सागर के पास चलते हैं, पब्लिक के ओपिनियन से राय जानना चाहते हैं। है सब एकजुट दिख रहा है, आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि एकजुट नहीं है, हम लोग सब लोग राहुल गांधी अपने कैंडिडेट छोड़ के दूसरे के प्रचार में क्यों नहीं आए बिहार? मोदी तो लगातार जदयू में भी आ रहे हैं, तमाम उनको डर है ना, डर है, मोदी को डर है, एक बार पब्लिक के पास चलते हैं क्या कहेंगे? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है सर, सबसे पहले राष्ट्रधर्म है, उसके बाद कुछ है बस, चलिए बता दिया इन्होंने, कोई डर नहीं है। मोदी कौन जीत रहा है? मोदी कौन जीत रहा है? देखिए पहले जो है ना 24 घंटा लाइट नहीं रहता था, डिबिया लालटेन जो है वो चलता था, मैच देखते रहते थे ना तो लाइट कट जाता था, समझे, कचरा फेंकने के लिए जो है ना दूसरे जगह जाना पड़ता था, अब गाड़ी जो है हम लोग कोई भी जीते सरकार से हमको फायदा होना चाहिए। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? मोदी कौन जीत रहा है? मोदी कौन जीत रहा है? कांग्रेस कौन जीत रहा है? तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, अंतिम प्रतिक्रिया, हमारे पास समय कम है, क्लोजिंग कम है। एक आखिरी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है, 100% कोई टक्कर नहीं है, इंडिया गठबंधन के सामने में कोई टक्कर नहीं है, चलिए सिर्फ बाबाजी है, सब फेल होगा,
400 से पार। चलिए देखिए जबरदस्त टक्कर है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में हमारी टीम पहुंची। लगातार दोनों ही जो धड़े हैं राजनीति के बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन हम रफ्तार मीडिया के माध्यम से देश की एक मीडिया के नाते हर एक मुद्दा को उठा रहे हैं और लगातार पब्लिक के बीच में जाकर आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मुद्दे क्या है, देश में माहौल क्या है और कौन जीत रहा है।